तो दोस्तों एक चीज याद रखो, आपको उन लोगों को गलत प्रूफ करना है जो ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। हे एवरीवन, स्टडीएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। आप लोगों के लिए आज के द हिंदू की खबरों के साथ डेट है आज 16th of April 2020। बिना किसी देरी के स्टार्ट करने से पहले, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल का सवाल था वार्मी वेट से रिलेट करते हुए। तीन स्टेटमेंट थी आप लोगों के लिए। पहली स्टेटमेंट कहती थी कि वार्मी वेट एक इंडिजीनियस हर्बल मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल वॉर्म्स को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट कह रही थी कि जो वॉर्मी वेट है इट इज़ यूज टू ट्रीट एंडोपैरासाइट वॉर्म्स इन लाइव स्टॉक। करेक्ट स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट थी। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत स्टेटमेंट थी। कारण, बिकॉज नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इस इंडिजीनियस हर्बल मेडिकेशन डी वॉर्मर को यहां पर एक कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में पेशकश करने की बात की है। इन ऑर्डर टू मेक द इंडिजीनियस हर्बल डी वॉर्मर टाइटल्स, जिसका नाम वॉर्मी वेट रखा गया है, जो NIF है, इट वर्कड ऑन अ मेडिकेशन इन ट्रीटमेंट ऑफ एंडोपैरासाइट इन्फेक्शंस अमंग लाइव स्टॉक्स। और यहां पर जो बात की गई है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की, वो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करता है। इस वजह से सवाल का जवाब है डी। अपने अपने आंसर्स आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख दिए थे कल। आज का आपके लिए जो सवाल है वो है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा से रिलेट करते हुए। यहाँ पर आपके लिए दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। मुझे रहेगा आपके जवाबों का इंतजार। आज की पहली खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई है, सुपर फास्ट मैनर में फिनिश करेंगे। गाइस, लॉकडाउन की गाइडलाइंस सामने आ गई हैं। 3rd of May तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अलाउड होंगी, जितने भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ होंगी, MG नरेगा का जो वर्क होगा वो होगा, बट स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और सारे के सारे वर्कर्स मास्क का इस्तेमाल करेंगे। जो पोस्टल सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफिस खुलते हुए नजर आएंगे, बैंक ब्रांचेज और ATMs खुले रहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री फार्म्स का ऑपरेशन चालू रहेगा, कलेक्शन प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट चालू रहेगा। क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं होंगी दोस्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टैक्सी ऑटो कैब एग्रीगेटर्स को अलाउ नहीं है। जितने भी पैसेंजर मूवमेंट है वो ट्रेन से अलाउ जो होगी वो नहीं अलाउ है, एक्सेप्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए ट्रेन चलती हुई नजर आएंगी। ओके, जितनी भी डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है सबको बैन किया गया है एक्सेप्ट फॉर मेडिकल रीजंस एंड सिक्योरिटी पर्पज। जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो प्लेसेस हैं एंटरटेनमेंट की, उनको भी 3rd of May तक के लिए बंद किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों हेल्थ मिनिस्ट्री ने 170 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है हॉटस्पॉट के रूप में। ओवर 33% जो हॉटस्पॉट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 सदर्न स्टेट्स के अंदर ही हैं। यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि बहुत सारी जगहों पर बात हो रही है 3 जोन्स के बारे में। तो ये 3 जोन्स क्या है दोस्तों, हमने हॉटस्पॉट्स को 3 जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है पूरे देश के अंदर। रेड जोन वो जोन है जहाँ पर जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए उनको डिक्लेयर्ड हॉटस्पॉट कर दिया गया है, इसलिए वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी। आप लोग स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर रेड डॉट्स लगे हुए हैं, वो ये हॉटस्पॉट्स को दिखा रहे हैं, रेड जोन्स को दिखा रहे हैं। अब दूसरे जोन्स आते हैं येलो जोन्स। येलो जोन वो जोन है जहाँ पर जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत कम है और हमें वहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज भी देखने को नहीं मिल रहा है पॉजिटिव केसेस में। इस वजह से जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या हार्वेस्टिंग, उनको एक लिमिटेड मैनर में अलाउ किया जाएगा। ना ग्रीन जोन की बात करें, ग्रीन जोन वो जोन है जहां पर कोरोना वायरस के कोई भी केसेस नहीं है, वहां पर हमें रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जैसे MSME इंडस्ट्रीज हमें वहां पर काम करती हुई नजर आएंगी। अब यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि 20th of April के बाद इन तीनों जोन्स के आधार पर थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन, अगर आपका जो ग्रुप है वो येलो जोन या ग्रीन जोन में आता है तो आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर एक और बड़ी खबर ये आई है कि हम लोगों को इस बार नॉर्मल मॉनसून देखने को मिलेगा। इस चीज़ को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है। IMD ने यहाँ पर कॉन्फिडेंस जताया है कि यहाँ पर एल नीनो के बहुत कम चांसेस हैं,
साथ ही जो वार्मिंग होती है सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक की, दैट्स एसोसिएटेड विद द ड्राइंग अप ऑफ द मॉनसून रेन्स, उनको हम लोग एलनीनो के नाम से जानते हैं। एलनीनो में होता क्या है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ फिर से। मान लो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया है और ये हमारा यहाँ पर साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है, ओके, दिस इज साउथ अमेरिका। तो क्या होता है कि जो हमारा लो प्रेशर जोन होता है वो ऑस्ट्रेलिया के पास होता है, वो हमारा वेस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक ओशन के अंदर होता है। बट एलनीनो वाली कंडीशन में ये सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर हमें शिफ्ट होता हुआ नज़र आता है। इस वजह से जो रेनफॉल होती है वो इन्हीं रीजन में पहुंच जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर ड्राई अप देखने को मिलता है। यहाँ पर जो एलनीनो वाला जोन है इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इंडियन मानसून, इसलिए जब एलनीनो स्ट्रांग होता है उसके कारण हमारे देश के अंदर मानसून डिले होता हुआ हम लोगों को नज़र आता है। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पे अब कोई ऐसा असर नहीं होगा एलनीनो का, इस वजह से हमारी मानसून फोरकास्टिंग बिल्कुल नॉर्मल बताई गई है। दोस्तों यहाँ पर 85% ऑफ दिल्ली एनसीआर के अंदर हमें इनकम फॉल देखने को मिली, ऐसा सर्वे का कहना है। ये एक हार्ड रियलिटी है, बोला गया है कि नियरली हाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट सेड कि कोविड 19 के आउटब्रेक की वजह से उनकी इनकम बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो गई है। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा गया कि क्या कोरोना वायरस की वजह से आपकी इनकम या वेजेस कम हुई है पिछले दो हफ्तों में, तो आप देखोगे 54% लोगों ने बोला है हाँ, 30% लोगों ने बोला है कि कुछ कुछ, और 16% लोगों ने बोला है कि कम नहीं हुई है। और सबसे ज़्यादा असर अगर हम लोग देखेंगे तो हमको अर्बन रीजन्स में देखने को मिला है, ओके, खासकर जो जिन लोगों का बिजनेसेस है और जो लोग कैजुअल वर्कर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। सैलरी वर्कर में भी 47% के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो ये एक नेचुरल फैक्ट है कि यहाँ पर इनकम कम हुई है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण इकोनॉमिक रिसेशन भी है। वर्कर्स पेड वेजेस ओनली फॉर वर्क डेज, ये एक और बड़ा इशू आया है पेज नंबर सेकंड पे। गवर्नमेंट ने यहाँ पर लोगों को बोला है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने वर्कर्स को उनकी सैलरी पे करें कोरोना वायरस के लॉकडाउन के समय पर। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पर कंप्लेंट करी है कि उनको जो पेमेंट मिली है वो सिर्फ मार्च 22 तक की मिली है, और यहाँ पर एक्सटेंड करने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी प्राइवेट फर्म्स हैं, उनका भी यही कहना है कि हम आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग डेज के पैसे नहीं दे सकते। एक रिपोर्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क ने यहाँ पर आई है माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर कि जब फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन हुआ वहाँ पर जो वेज लॉज हैं जिन्होंने मैंडेट किया था कि वर्कर्स को डिटेल किया जाएगा फुल एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, बट इट वॉज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गवर्नमेंट उन सारी की सारी चीज़ों को इंश्योर करे और सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करा सके माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, पर यहाँ पर चीज़ें फॉलो होती हुई हम लोगों को नहीं नजर आई। इसके साथ साथ गाइज यहाँ पर UPSC ने भी आप लोगों के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। UPSC ने बोला है कि अभी जो करंट जो 15 अप्रैल को एक स्पेशल मीटिंग हुई थी उसके अंदर इस चीज़ को बोला गया कि अभी जो डेट्स हैं जो अभी आगे आने वाली हैं, जैसे UPSC का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 31 मई को है, उस डेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आगे मतलब 3 मई के बाद सरकार एक बड़ा डिसीजन अनाउंस करती है और UPSC को लगता है कि एक बड़ा चेंज आना चाहिए तो उसकी सारी जानकारी वेबसाइट पर आ जाएगी। अभी जो डेट है वो फिक्स रखी गई है। इसके साथ साथ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द UPSC उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो अपनी 30% जो बेसिक पे की सैलरी है वो एक साल के लिए यहाँ पर सरकार को देंगे कोविड-19 के खिलाफ यहाँ पर लड़ने में। यहाँ पर पैसे UPSC के द्वारा पहले ही वन डे सैलरी अपनी जितने भी मेम्बर्स हैं और यहाँ पर स्टाफ है उन्होंने अपनी एक दिन की सैलरी PM रिलीफ फंड या PM केयर फंड के अंदर दे दी है। UPSC ने ऐड किया कि जितने भी इंटरव्यू हैं एग्जाम है दे विल बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द सिचुएशन। जो डिसीजन है फ्रेश डेट्स के ऊपर फॉर द रिमेनिंग सिविल सर्विसेज 2019 पर्सनैलिटी टेस्ट वो May 3 के बाद लिया जाएगा, और यहाँ पर कोई भी डिसीजन यहाँ पर किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू के रिक्रूटमेंट बोर्ड से रिलेटेड कमीशन की वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। पेज नंबर 6 पे एक आर्टिकल आया है जो कि बात कर रहा है स्ट्रेस टेस्ट के बारे में। ये आर्टिकल आपके प्रीलिम्स और GS पेपर नंबर 1 से रिलेट करता है। यहाँ पर सरकार ने प्रोटोकॉल रिवाइज किए कि May 3 तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है और इकोनॉमी को पार्शियली रीओपन किया जाएगा, पर उसको सिर्फ उन्हीं रीजन्स में किया जाएगा जहाँ पर कोरोना वायरस के जो यहाँ पर केसेस हैं वो थोड़े से कम हैं। स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुड कंटिन्यू विद अ टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज इफ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स गाइडलाइंस अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे। अब एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है इट विल बी ड्रॉन आउट एंड नॉर्मलसी इन लाइफ विल हैव टू वेट अंटिल वैक्सीन और ट्रीटमेंट लाइन एंड फाउंड, बिकॉज जब तक वैक्सीन हमारे सामने नहीं आती
तब तक हम लोग यहाँ पर एक बड़ा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर इकोनॉमी को भी रिवाइव करना है तो हमें वैक्सीन्स को देना ही पड़ेगा। इंडस्ट्रीज जो कि सिटी लिमिट के बाहर लोकेटेड हैं, जो कि रूरल या अर्बन रीजन्स के अंदर हैं, हमें उनका वर्किंग यहाँ पर अप्रैल 20 के बाद खुलता हुआ नज़र आएगा। तो छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, आईटी रिपेयर हैं, मोटर मैकेनिक्स हैं, कारपेंटर्स हैं, उनको भी अलाउ किया जाएगा कि वो भी काम कर सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू अर्न। ओके, और जो लोग उन्हें हायर करते हैं उनके लिए भी काम आसान हो जाएगा। ये गुड आइडिया है टू ऐड द टेलर्स टू दैट पर्टिकुलर लिस्ट, बिकॉज यहाँ पर वो भी एक असेंशियल सर्विस ही है। अब जो मेजर्स हैं, कुछ और सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि अगर कोई स्पिट करता है टबैको को या गुटके को, और टोटली बैन भी कर दिया गया है वर्क प्लेसेस के अंदर, जो भी वायलेट करेंगे उनके लिए 6 महीने की सजा भी है। कोअर्सिव मेजर्स फॉल हैविली ऑन दी पुअर, और गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी अवेयरनेस भी पहुँच सके। जो माइग्रेंट्स हैं, जिन्होंने कुछ पार्ट्स में हमें खबर आई है कि कुछ रायट्स भी क्रिएट करने की कोशिश की है, उनके लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि उनको किस तरीके से पे किया जाएगा। एमजी नरेगा विच इज मेंट टू गारंटी अ मिनिमम इनकम टू द पुअरेस्ट इन सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रेस, वो पूरी की पूरी तरीके से एमजी नरेगा वाला हमारा कॉन्सेप्ट कोलैप्स कर गया है। अब एमजी नरेगा को भी यहाँ पर रिस्टार्ट करने के लिए अनुमति दे दी जाएगी। एक और एरिया जहाँ पर हमें अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है वो है हमारा जनरल हेल्थ केयर सेक्टर। बहुत सारी लाइफ यहाँ पर क्लेम हुई है क्योंकि जनरल हेल्थ केयर रुक चुका है। जो आसपास के क्लिनिक वाले डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने भी काम बंद कर दिया है। स्टेट्स जैसे कि केरला, राजस्थान, दे हैव इन्वॉल्व द लोकल बॉडीज एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे फूड, मेडिकल और बाकी सारे एसेंशियल आइटम्स लोगों के घरों तक पहुँचाए जा सकें। तो गोइंग इन टू द फ्यूचर, गेटिंग द कंट्री बैक ऑन ट्रैक विल रिक्वायर मास एजुकेशन ऑन मास्क यूज, हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग। यहाँ पर आज की डेट में जिन चीज़ों की ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है वो है अपने सोशल बिहेवियर को चेंज करने की, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर इनिशिएटिव लेने चाहिए कि हम लोग इंश्योर करें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो सक्सेसफुल स्टेट्स ने अडॉप्ट करी हैं वो पूरा देश भी अडॉप्ट कर सके। इसी के साथ साथ पेज नंबर 6, यहाँ पर गवर्नेंस से रिलेटेड आपको एक आर्टिकल देखने को मिलता है। सरकार ने 2 ऑर्डिनेंस इशू किए। पार्लियामेंट ने सबसे पहले तो मॉडिफाई किए रूल्स, जिसकी मदद से जो सैलरी हैं और जो अलाउंसेस हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के और मिनिस्टर्स के, उनको रिड्यूस किया है। इसके साथ साथ यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया कि जो MPLED फंड दिया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंदर, फंड दिया जाता है 5 करोड़ रुपीज़ आईयर, 2 साल तक के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, और जो 2 साल का पैसा है वो सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आएगा और उनका इस्तेमाल सरकार करेगी सोशल बेनिफिट के लिए। अब यहाँ पर जो सैलरी के और अलाउंसेस के अंदर कट हुआ है वो एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, आर दे प्रिपेयरिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ड्यूरिंग द क्राइसिस। अब इसको जल्दी से देखते हैं दोस्तों। 30% कट हुआ है यहाँ पर इन 1 लाख पर मंथ सैलरी, और 27,000 का कट हुआ है इन ऑफिस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस, और जिससे यहाँ, और इसके साथ दे हैव अ सेविंग ऑफ 5 करोड़ रुपीज पर मंथ के आसपास की जो अलाउंसेज है उससे सेविंग आई है। तो जो कट हुआ है यहाँ पर अलाउंसेस के अंदर, इट रिजल्ट्स इन अ टोटल सेविंग ऑफ 25,000 पर मंथ। यहाँ पर जो ये अमाउंट है इट इज़ इमटीरियल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट विद एन एवरेज मंथली बजट ऑफ 2.5 लाख करोड़। तो यहाँ पर जो कट हुआ है वो कोई इतना ज़्यादा कट नहीं है जिसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट हो सके। इस क्राइसिस के दौरान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने एक्शंस और पॉलिसीज के ऊपर डिलिब्रेट करना चाहिए। दे शुड ऑल्सो बी ट्राइंग टू फिगर आउट कि यहाँ पर वो किस तरीके से कमेटी मीटिंग करें, किस तरीके से फुल हाउस मीटिंग भी कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम ने लॉकडाउन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पर सेशन करना चालू किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पर एक पेज क्रिएट किया है वेबसाइट के ऊपर, जिससे जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर हैं रिलेटेड टू द पेंडेमिक और सेकेंडरी लेजिस्लेशन स्क्रूटनी कमिटी जो है उनकी, वो उन चीज़ों को स्क्रूटनाइज भी कर रही है। बाकी सारे पार्लियामेंट्स ने भी यहाँ पर ऑनलाइन वर्क करना चालू कर दिया है। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट ने तो एक एपिडेमिक रिस्पांस कमेटी भी बना दी है जो कि गवर्नमेंट के डिसीजंस को ओवरलुक कर रही है। तो हम लोगों को भी इस पर्टिकुलर स्टेप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ MPLED को 2 साल के लिए कैंसिल किया गया, जो कि एक अच्छा वेलकम मूव है। दिस स्कीम शुड नॉट बी रिज्यूम्ड आफ्टर क्राइसिस। फिनेंशियल टर्म्स में अगर देखें तो ये लगभग 4,000 करोड़ रुपये हर साल सेव करेगा। वाइल दिस इज नॉट इनसिग्निफिकेंट, लार्जर बेनिफिट इज दैट
ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मदद करेगा कि वो फोकस कर सके नेशनल लेजिस्लेटर्स के रूप में, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर ही फिक्स हो जाते थे, वहीं पैसे खर्च करते रहते थे। देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करें, उनकी दो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं लॉ मेकिंग के अलावा, क्या क्या है? पहला, दे सैंक्शन द साइज एंड एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। इसके साथ साथ दे होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, इंक्लूडिंग द एफर्ट ऑफ स्पेंडिंग फंड्स अप्रोप्रिएटली, कि फंड सही तरीके से खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिनेंशियल ऑडिट भी MPLD का कौन करता है? कंट्रोलिंग ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करते हैं, और उसके बाद उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो उसको फिर से यहाँ पर स्क्रूटनाइज करते हैं, जिससे यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात ना हो। MPLD इज टिपिकली स्पेंड ऑन कैपिटल वर्क एट लोकल लेवल, जैसे मान लो बस स्टॉप, हैंडपम्प, स्कूल रूम्स, और ये सारी की सारी चीज़ें पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर आती हैं। जो मेंबर्स हैं इन बॉडीज़ के, दे आर इलेक्टेड टू परफॉर्म एग्जीक्यूटिव रोल्स। MPLD ट्रांसफॉर्म कर देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक लेजिस्लेटर के रूप में, यहाँ पर उसको डायरेक्टली एक लोकल प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं MPLD ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो फोकस है नेशनल इश्यूज से हटाकर लोकल इश्यूज पे डाल दिया है, तो यहाँ पर जो टाइम है वो अपना लोकल लेवल पे ज़्यादा देने लगते हैं बिकॉज ऑफ दी वोट। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि एक ये जो मेथड है ये फोकस कर रहा है कि हमें नेशनल लेवल पे भी फोकस उतना ही करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा करना चाहिए। तो क्राइसिस यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम लोग फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट शुड एक्सप्लोर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है अपनी एफिकेसी बढ़ाने के लिए। डेली पेपर वर्क की जो फाइलिंग क्वेश्चन होते हैं या इंटरवेंशंस होते हैं, दे हैव बीन डिजिटाइज्ड व्हाइल प्रोटोकॉल्स इंफ्रास्ट्रक्चर बी नीडेड टू डिजिटाइज सून। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। और भी इश्यूज हैं, जैसे मान लो पे हैं, अलाउंसेज हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उनको डिस्कस किया जाए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद ऑफिस स्पेस एंड रिसर्च स्टाफ, और उनको हमें कंपेंसेट भी करना चाहिए। ओके, दे शुड बी कंपेंसेटेड इन लाइन विद देयर ड्यूटीज एज नेशनल लेजिस्लेटर्स। हमें पब्लिक डिबेट्स चाहिए यहाँ पर नेशनल लेजिस्लेटर्स की, जिससे हम देख सकें कि वो देश के लिए क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों पेज नंबर 8 पे खबर मिलती है, इंडिया स्टेयर्स क्लियर ऑफ WHO फंडिंग रो। इंडिया ने यहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया टू क्रिटिसाइज़ US डी फंडिंग WHO। हम लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स को। US ने मना कर दिया है कि US WHO को फंड नहीं करेगा। सोर्स ने इंडिकेट किया है दैट इंडिया वॉज नॉट इंक्लाइंड टू इमीडिएटली ज्वाइन द कॉन्ट्रोवर्सी, और हम लोग अभी किस कॉन्ट्रोवर्सी से दूर ही रहना चाहते हैं। गाइस, WHO के बजट की बात करें, WHO का बजट यहाँ पर असेस्ड और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के बीच में एक मिक्सचर होता है, जो मैंने आपको कवर पहले ही कराया था। जो असेस्ड कंट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर मेनली फिनेंशियल सपोर्ट होता है मेंबर कंट्रीज़ का पूरी दुनिया के, जो कि यहाँ पर रिलेटिव होता है कि उस देश की वेल्थ या पॉपुलेशन कैसी है, तो ये ज़रूरी होता है देना जो भी देश WHO का मेंबर बनता है। दूसरा वाला है यहाँ पर जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता है वो कोई भी देश अपनी मर्जी से देता है, और US इन दोनों फंड को मिलाकर लगभग 25% का फंड देता था। WHO क्लेम करता है जो कंट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम द मेंबर स्टेट हैड डिक्लाइंड ओवर द इयर्स, और अब यहाँ पर जो ये जो जनरल फंड होता है जो देना ही पड़ता है वो लेस देन 25% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो दोस्तों एक और बड़ी खबर रशियन फर्म की तरफ से आई है। रशियन फर्म कंपनी डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है रोजो बोरॉन एक्सपोर्ट। उसने यहाँ पर $2 मिलियन या 15.3 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर PM केयर फंड के अंदर दिया है। ये एक बड़ी खबर है। इसके साथ साथ आज एक आर्टिकल आया है पेज नंबर 14 पे कि पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को किस तरीके से बदल दिया है। दोस्तों पेंडेमिक का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन सोसाइटी को यहाँ पर या पॉलिटी को हिस्टोरिकली चेंज करने में। जैसे जस्टिनियन प्लेग आया था 6th सेंचुरी के अंदर और स्पेनिश फ्लू आया था 1918 के अंदर। पेंडेमिक्स आते रहे हैं, कोलैप्स करते रहे हैं बड़े बड़े एम्पायर को, इंस्टीट्यूशंस को, सोशल स्ट्रक्चर को, और ह्यूमन हिस्ट्री का एक पार्ट है। जस्टिनियन प्लेग के बारे में बात करें, ये वन ऑफ द डेडलीस्ट पेंडेमिक है जो कि हिस्ट्री ने रिकॉर्ड किया था 6th सेंचुरी के अंदर इजिप्ट में। दैट स्प्रेड फास्ट टू कॉन्स्टेंटिनोपल, ओके, जो कि उस जो कैपिटल थी ईस्टर्न रोमन एम्पायर की। जो प्लेग है उसका नाम यहाँ पर रोमन एम्परर जस्टिनियन के नाम पर रखा गया था। जो आउटब्रेक था वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता रहा पूरे वेस्ट से लेकर ईस्ट में, और उसने लगभग 25 to 100 million लोगों को यहाँ पर इम्पैक्ट किया था। प्लेग ने यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल पे यहाँ पर इम्पैक्ट किया था व्हेन द बिजेंटाइन एम्पायर वाज एट द पिनेकल ऑफ इट्स पावर। एम्पायर पूरी तरीके से कोलैप्स होता हुआ नजर आया। जो प्लेग था इट वुड कम बैक इन डिफरेंट वेव्स, फाइनली वो डिसअपियर हो गया था 750 AD के अंदर आफ्टर वीकनिंग दैट पर्टिकुलर एम्पायर। और यहाँ पर फिर जो बिजेंटाइन आर्मी थी
वो रिक्रूटमेंट करने में नाकामयाब हो गई थी बैटल ग्राउंड के लिए और धीरे धीरे वो हार गए। फिर एक आई थी ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ आई थी यूरोप और एशिया के अंदर 14th century के अंदर। ये डेडलेस्ट पेंडेमिक था हिस्ट्री ने रिकॉर्ड किया। उसने लगभग 75 to 200 million लोगों को इम्पैक्ट किया था। प्लेग यहाँ पर यूरोप के अंदर 1347 के अंदर आया था, जिसने 50% ऑफ पॉपुलेशन को डायरेक्टली यूरोप के अंदर इम्पैक्ट किया था। 50% के आसपास पॉपुलेशन मर गई थी डिजीज के अंदर। इन द वर्ड ऑफ स्टैनफोर्ड हिस्टोरियन वॉल्टर शेडल, द पेंडेमिक आर वन ऑफ द फोर हॉर्समैन दैट हैव फ्लैटेंड इनइक्वालिटी। बाकी जो तीन चीज़ें थी वो थी वॉर, रिवोल्यूशन और स्टेट फेलियर। बाकी जो चौथा है वो पेंडेमिक है, जिसने सोसाइटी को इनइक्वालिटी की तरफ लाके खड़ा कर दिया। यहाँ पर अगर ब्लैक डेथ का सबसे ख़राब इम्पैक्ट देखें वो था कि यहाँ पर जो कैथोलिक चर्च थे उन वो बिल्कुल वीकन हो गई, बिकॉज दे वर हेल्पलेस टू हेल्प दी पीपल। और यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मिस्ट थे उन्होंने 16th century के अंदर और भी ज़्यादा यहाँ पर रिफॉर्म करना चालू कर दिया, जिसकी वजह चर्च की पावर वीक हो गई। स्पेनिश फ्लू यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर आया था 1918 में। इंडिया के अंदर लगभग 1 to 2 crore लोगों की यहाँ पर जाने गई थी। इट वॉज वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट जो कि वॉर के साथ यहाँ पर इस पेंडेमिक ने क्रिएट किया था। अब आ गया है COVID-19, जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। आउटब्रेक्स ने बहुत सारे देशों को डिप्लोमेटिक और डिक्टोरियल दोनों चीज़ों से हटाता हुआ देखा है। जो डेवलप्ड देश हैं उन्हें यहाँ पर औरों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, चाहे डेवलप्ड देश यूनाइटेड स्टेट से क्यों ना हो। और यहाँ पर इतना ऊपर लेवल है अनएम्प्लॉयमेंट का जितना वर्ल्ड वॉर के समय पे भी नहीं था। गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ब्रीफ कर रहे हैं कि इकोनॉमी को बचाया जा सके, बिकॉज इकोनॉमी एक डिप्रेशन इकोनॉमी की तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों आज आपके लिए इतनी ही खबरें थी। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़पेपर मुझे मैसेज करके बताना बिल्कुल मत भूलना। मैसेज करने के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आपके लिए हम लोगों ने और भी सीरीज़ चला रखी है, जैसे दिस इज़ द सीरीज़ ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जिसको आप लोग फॉलो ऑन कर सकते हो। इसके साथ ज्योग्राफी की भी सीरीज़ आपको आप लोगों के लिए लाइव है, और मैं तो आपके लोगों के लिए न्यूज़पेपर लेकर आता ही रहता हूँ। सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइज, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।